त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान, 28 लाख से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से ज्यादा वोट करने की अपील की। त्रिपुरा में वोटिंग से पहले सीपीआईएम कार्यकर्ता के घर पर हुई बमबारी, सीपीआईएम ने बीजेपी पर लगाया हमले का आरोप। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर ओवैसी का बड़ा हमला, कहा इस देश का कोई मजहब ही नहीं है। केंद्र सरकार को भी बताया नाकाम, बोले क्या संविधान को खत्म कर देंगे। पीएम मोदी आज आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन, 15 दिनों तक चलेगा ये महोत्सव। चेतन शर्मा पर अब तक बीसीसीआई ने नहीं की कोई कार्रवाई, सूत्रों के मुताबिक चेतन शर्मा को मिल सकता है अपना बचाव करने का मौका। भारत चीन सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला, आईटीबीपी के साथ नए बटालियन का होगा गठन। भारत चीन सीमा पर पड़ने वाले 662 गांवों का किया जाएगा विकास, टनल का भी होगा निर्माण। चुनाव से पहले सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा राजस्थान पर जल्द किया जाए फैसला। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने दिया विवादित बयान, बाबा रामदेव को बताया पौने दो आंख वाला बाबा, कहा बाबाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पर बयान, बोले मानस की चौपाइयों से ज्यादा लोगों की मदद पर होनी चाहिए बात। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता हुई रद्द, स्वार विधानसभा सीट से विधायक थे अब्दुल्ला। आजम खान की बड़ी मुश्किलें, रामपुर शोध संस्थान ने 15 दिन में कब्जा हटाने का नोटिस दिया है, शोध संस्थान में चल रहा है रामपुर पब्लिक स्कूल। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश को भ्रमित कर रही है बीजेपी, जरूरी मुद्दों पर बीजेपी ने साथ रखी है चुप्पी। तजाकिस्तान में 200 भारतीय मजदूर लगा रहे हैं मदद की गुहार, भारत लौटने के लिए प्रशासन से मांग रहे हैं मदद, पिछले 4 महीने से मजदूरों को नहीं मिला है वेतन। दिल्ली में निक्की हत्याकांड की जांच जारी, सूत्रों के मुताबिक दम घुटने से हुई थी निक्की की मौत, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है साहिल। आज से शुरू हो रही है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, नकल के खिलाफ प्रशासन का सख्त आदेश, नकल करने वाले छात्रों पर लगेगा एनएसए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को दी शुभकामनाएं। कश्मीर के निजी दौरे पर है राहुल गांधी, गुलमर्ग में स्कीइंग करते आए नजर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। रीवा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ हादसा, कार्यकर्ता के सिर में लगी बॉल, कार्यकर्ता का इलाज जारी। झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि में तोरण द्वार बनाने को लेकर हंगामा, दो पक्षों में जमकर चले पत्थर, कई दुकानों में की गई आगजनी, पूरे इलाके में धारा 144 लागू। महाराष्ट्र के पालघर में 40 साल की महिला का मिला शव, एक बंद फ्लैट में रखी हुई थी लाश, महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में मां बेटी की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन, सीबीआई जांच के लिए भी इलाहाबाद में याचिका दायर की गई। अलीगढ़ में 3 फीट के दूल्हा दुल्हन ने रचाई शादी, दोस्त ने प्रॉमिस डे पर शादी करवाने का निभाया वादा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म, मेडिकल टीम ने करवाई सफल डिलीवरी। बीएसएफ के एक डॉग ने फ्लाइंग मून जंप में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, 15 फीट 6 इंच की लगाई फ्लाइंग जंप। कासगंज में जट्रोफा का फल खाने से 20 बच्चे हुए बीमार, अस्पताल में जारी है बच्चों का इलाज। बागपत में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, गैंगस्टर हाजी सल्लू की 65 लाख की संपत्ति कुर्क। सहारनपुर में यमुना नदी में मिला युवती का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में गाड़ी चोरी करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, 4 चोर हुए गिरफ्तार, 9 बाइक समेत एक स्कूटी जब्त। हाथरस में चलती कार में अचानक लगी आग, कार सवार ने बचाई अपनी जान, लोगों ने बुझाई आग। उत्तराखंड के बागेश्वर में बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। कटिहार में 7 घरों में लगी आग, चूल्हे की चिंगारी से फैली थी आग, जला लाखों का सामान। झारखंड के सिमडेगा में युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 3 तस्कर गिरफ्तार, 1 देसी पिस्टल समेत 8 कारतूस जब्त। निकी हेली ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए पेश की दावेदारी, कहा सब के एक होने से ही बेहतर हो सकता है देश। अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी, हमले में 1 की मौत, 3 लोग घायल, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। तुर्की में 222 घंटों बाद महिला का रेस्क्यू किया गया, मलबा हटाकर महिला को निकाला गया बाहर।
तुर्की में भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, शेल्टर होम्स में पनाह लेने को मजबूर हैं हजारों लोग। दुनिया की सबसे पुरानी हिब्रू बाइबल की लंदन में होगी नीलामी, 1000 साल पहले लिखी गई थी प्रति। विशेषज्ञों के अनुसार $50 मिलियन तक पहुंच सकती है बाइबल की कीमत। लीबिया में प्रवासियों से भरी नाव हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 70 से ज्यादा लोगों की मौत, 9 लोगों को बचाया गया। दक्षिण अफ्रीका और चीन की सेनाओं के साथ युद्ध अभ्यास करेंगी रूसी युद्धपोत, 17 से 27 फरवरी तक चलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। रूस ने यूक्रेन के 5 मंजिला इमारत पर किया मिसाइल अटैक, हमले में 12 लोग हुए घायल। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, कीव के ऊपर रूस बैलून दिखने का भी दावा किया। खाद्य संकट से जूझते क्यूबा की मदद करेगा रूस, 25,000 टन गेहूं देने का किया ऐलान। एस्टोनिया और डेनमार्क की सेनाओं ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, लेपर्ड टैंक से भी अभ्यास करते दिखे सैनिक। बोलीविया में डेंगू के मरीजों से भर चुके हैं अस्पताल, 7,000 के करीब लोग हो चुके हैं संक्रमित, ज्यादातर बच्चों को हो रहा है डेंगू। पनामा में बड़ा सड़क हादसा, प्रवासियों से भरी एक बस गिरी खाई में, 39 लोगों की मौत। अमेरिका के लास वेगस में आई धूल भरी आंधी, हाईवे पर ट्रैफिक जाम हुआ। चीन के वुहान में रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, हेल्थ इंश्योरेंस में बजट कट किया, इसका विरोध हो रहा है। जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस के सिस्टम में आई तकनीकी खराबी, दर्जनों फ्लाइट हुई रद्द, हजारों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे। डॉलर की कमी से जूझते इजिप्ट का बड़ा फैसला, सरकारी संपत्तियों को बेचेगा इजिप्ट, गल्फ देशों से करेगा सौदा।